चले अरुण भाई अभी आप हमें टाइम देना, छोड़े पबजी को, क्या करेंगे पबजी में? अरुण भाई और कोई काम नहीं, वे तरीन बंदे दुनिया के, जब भी देखो पबजी खेले तो अरुण भाई और कोई काम है पबजी के अलावा? हाँ नहीं मुझे बताए ना आज क्यों, और कोई काम है जिंदगी में पबजी के अलावा? सब पबजी पबजी पबजी। हाँ ऐसे कोई बेनिफिट भी हुआ या सिर्फ टाइम जाया करते हो? अच्छा अच्छा आपने हेडफोन लगाए, वो अभी तक सुन ही नहीं देते, शाबाश। ये आपने जी बेइज्जती कर दी अरुण भाई हमारी, यार क्या कर रहे हो यार अरुण भाई? हाँ गजब बेइज्जती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय एनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हो ना? मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई यासीन खाठक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खाठक बैठक। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो वेलकम बैक हो गए माय अनदर व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं सब खैर ऑफिस से होंगे, जिंदगी की अच्छी गुजरी होगी। आज सुबह सुबह आखिरकार आंग खुल गई, यानी कि बहुत कोशिशों के बाद सुबह सुबह आंख खुल गई, यानी कि जो सुबह में लिए उठना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है वो सुबह उठना, यानी कि दुनिया के सारे काम आसान है पर जो सुबह उठना है ना वो सबसे मुश्किल काम है मेरे पर ये कर। रात को भी अच्छी बड़ी लेट आंख लगी, यानी कि 3:30 बजे आंख लगी, फिर मैं गया सुबह तो जिम जाने ही जाना, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लान करो, जब भी प्लान करता हूँ तो उसी दिन आंख लेट खुलती है, उस दिन आंख लेट खुलती है, क्या कि आंख खुलती नहीं है, छुट्टी हो जाती है जिम से पक्की वाली। तो कल रात मैंने पक्के वाले इरादे किए कि बेशक दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं सुबह जाऊंगा ही जाऊंगा, सुबह सारी मशीनें टेढ़ी करके डबल टेढ़े करके घर आऊंगा, तो आखिरकार अल्लाह का शुक्र है कि सुबह सुबह आंख खुल गई तो हो गया, यानी कि 7:45 और मेरे को जिम भी जाना है और एक और सुबह सुबह एक और काम भी जल्दी जल्दी निपटाना है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी करते चेंज करते ब्रश धोते मुंह हाथ और बाथरूम कंडीशन निकाल के तैयार श्यार होकर निकलते हैं जिम की तरफ, क्योंकि जितने लेट हो जाएंगे उतना काम खराब हो जाएगा, फिर जिम में होता है रश, और सुबह सुबह ऐसे पेशावर रोड पर तो ऐसे रश होता है जैसे पूरी दुनिया की आवाम हमारे पेशावर रोड पर हो, क्योंकि सुबह सुबह सारे पढ़े लिखे बच्चे फ्यूचर पाकिस्तान जा रहे होते स्कूलों कॉलेजों की तरफ। वैसे मेरा मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुमने टाइम वेस्ट करना है ना तुम कोई भी डिग्री कर लो, अगर तुम कुछ करना है तो तुम स्किल सीख लो, पैसा कमाओ, दुनिया बनाओ, नहीं तो डिग्री में कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात है, सिर्फ पैसा खराब करने वाली बात है और टाइम ज़ाया करने वाले पैसा हराम करने वाली बात है। तो चलो कोई नहीं, खैर मड़ी हर इंसान की अपनी सोच है, मैंने तो पैसे हराम कर दिए हैं मास्टर्स करके 4 साल आपको तखवाली करने के बाद, चल मैं कहा यूट्यूब व्लॉगिंग शुरू करते साथ अपने जीवन को टाइम देते अपने लाइफ को टाइम देते, पर कोई नहीं खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। चलो अभी लेट हो रहे जिम के, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए शुरू करते अपना व्लॉग। अल्लाह पाक के बाग बाबर का नाम इब्राहिम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी जल्दी करते चेंज होने करते सीधा जिम की तरफ। जिम में जगह सुबह सुबह देखते क्या सोचते आ रहे, सुबह सुबह फ्रेश हो के आनर्ड बन के वापस आएंगे जिम से। तो चलो भी निकलते जरा जिम के लिए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके 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 फाइनली सुबह सुबह का टाइम आखिरकार मैं पहुंच गया जिम, जिम में पहुंच गया साथ ही पार्किंग में देखा बिल्कुल सुकून और प्रोग्राम आया, तो बिल्कुल सुबह सुबह खड़ा हुआ एक और भी हैवी बाइक, यानी कि एक मेरा हैवी बाइक है किसी और का हैवी बाइक, अरे सुबह सुबह इतना सुकून और प्रोग्राम के देख के दिल बाग बाग हो गया, बिल्कुल कोई रश नहीं कोई कुछ नहीं। तो मैं कहा चलो पहुँच गया जिम, अभी शुरू करते जाते जिम। वैसे आज तो हूँ मैं विदाउट ड्रेसिंग, यानी कि आज मैं हूँ कैजुअल पर, जाना तो है गेम पर लगानी है, तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं जरा जिम में। एनीवे मैं सुबह सुबह पहुँच गया जिम, जिम पहुँचते साथ एक तो हमें शुरुआत कमीज में ऊपर जिम में सुकून और प्रोग्राम है, जितना पार्किंग में सुकून दो से ज़्यादा सुकून ऊपर जिम में, पर मैं क्या आज चले जाए लगाते हैं गेम शिम। वैसे ऊपर आते सारे शुरू हो गए मेहताबाई ज़्यादा गपशप माई, क्योंकि मेहताबाई हैं बड़े ग्रेट, मेहताबाई बहुत कम बैठते हैं आज कल क्योंकि मेहताबाई बिजी थे, तो मैं क्या मेहताबाई को टाइम देते मेहताबाई के बाद शुरू करें अपनी गेम, क्योंकि मैं तो जिम भी आते ही आते आते के साथ, क्योंकि जिम मेहताबाई बड़े भाइयों की तरह उनके साथ थोड़ी सी गपशप लगा रहे, तो मैं क्या चलो थोड़े से बैठते हैं खुद को थोड़ा सा नॉर्मल करते, नॉर्मल करने के बाद अपनी गेम शुरू करेंगे। वैसे जितना सुकून इस फ्लोर पर तो उम्मीद है इतना ज़्यादा सुकून ऊपर वाले फ्लोर पर होगा, अभी मुझे लगा नहीं भाई 22 अप्रैल लग रहे ऊपर वाला फ्लोर खाली, क्योंकि मशीन ऊपर तो नहीं ऊपर डबल है और फ्री वेट, और मुझे लगा ना फ्री वेट, अगर फ्री वेट में ब्रश हो गया तो यानी कि मेरा पूरा दिन हो जाएगा ज़ाया, क्योंकि फिर शाम को मैं आ नहीं पाऊंगा, सुबह मसल ना लगे तो फिर मज़ा नहीं गया। वैसे सुबह सुबह का टाइम है, उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड फ्लोर भी होगा खाली, तो चलते सेकेंड फ्लोर पर।
प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो मैं पहुंच गया जिम के सेकंड फ्लोर पे। जिम के सेकंड फ्लोर पे पहुंचते साथ देखा कि आप लगे अच्छे भले गाने। मेरी नजर पर एक ऐसे भाई भी जो गाने को देख के बन गया, उसका अंदर का मरासी जाग गया। मरासी जागते साथ उसने अपने आधे से ज्यादा कपड़े उतार लिए, मैंने जो पहने इसको भी उतार दो। तुमको गेम में गाने नहीं है, तुम तो मरासी बनने का नहीं, पर क्या करें हम अभी शुरू करते अपनी गेम। ऐसे यहाँ पे रश का हम लगाने बाइसेप और फ्री वेट पे भी रश नहीं है और मशीनों पे भी रश नहीं है, यानी कि हम आज दिल खोल के लगाएंगे अपनी गेम विदाउट टाइम इसकी शुरू करते। तो फाइनली मेरी गेम होगी खत्म और मैं निकल पड़ा जिम से पसीना पसीना हो गया घर की तरफ, क्योंकि मुझे अभी जाना है घर और मैं हो गया अच्छा बल्ला लेट, यानी कि फ्री का ऑनलाइन बढ़ने के लिए खुद को पसीना पसीना करके मैं जिम से निकल पड़ा घर की तरफ और लगी आज मिताब के साथ अच्छी बली गपशप, जहाँ पे देखते हैं पूरा जिम होता है ट्राउजर में, मैं इकलौता बदमाश यानी कि शलवार कमीज में। मिताब भाई दोस्त तो इस वजह से कुछ कहते नहीं, मैं उसको उठा दूँ हमेशा गलत फायदा पर। मैंने कहा इससे पहले कि मिताब भाई हो जाए गुस्सा तो मैंने कहा यहाँ से अपना हया भूसा और गायब होकर सीधा पहुँच दो घर, क्योंकि इससे पहले कि मिताब भाई देख ले मुझे नोट कर ले कि रोज पहुँच जाते शलवार कमीज में। तो निकल पहली फुर्सत में निकल, मैंने निकाला था हाया भूसा और निकल पर सीधा घर की तरफ। वैसे सुबह सुबह का टाइम आया तो यहाँ पे सुकून डॉट पर गया, वैसे यहाँ पे इतना राशन था कि कोई हद ही नहीं। तो चलो करते बाइक तेज सीधा पहुँचते घर, मरते हैं गर्मा गर्म नाश्ते, उसके बाद जाएंगे सीधा दुकान पे। फाइनली चुपका अलहमदिल्ला जिस हो गया वापसी, वैसे मेरे याद कि आज ही ऑर्नर बन जाऊँ, क्योंकि जिम में बिल्कुल सुकून डॉट पर गांधी में आज ही ऑर्नर बन, तो फिर मैं कह चलो यार अगर मैं ऑर्नर बन गया तो मुझे बेचारा ऑर्नर बना हुआ तो वो क्या करेगा। फिर मैं सर खाते में कह चलो यार बाकी मशीने शीशी ने कल टेरी कर लेंगे, बाकी डबल चमल कल मार मूल लेंगे आगे भी। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल फेंक फूंक नहीं। फिर मैं कह चलो यार खैर आज की इतनी गेम होगी काफी, अगर थोड़ी गेम चल लगा ऐसा फिर लोग देखने लग जाएगा ये ऑर्नर कहाँ से आए। तो मैंने कहा यार अभी लोग टाइम ज़ाया करेंगे तो विदाउट टाइम वेस्ट की मैं वहाँ से निकल पड़ा। मैं कैसे पहले कि जिम में रश हो जाए, लोग काम खराब कर दे, सारी दुनिया पहुँच ऑटोग्राफ ले दी। क्या क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज कराओ। मैं कहा चलो खैर मैडम समझा करो ना, बाकी गेम्स गेम कम लगा लेंगे। तो मैं पहुँच गया गैस, क्योंकि जल्दी जल्दी मारते नाश्ता नाश्ता करने के बाद होते हैं फ्रेश फ्रेश होने के बाद सीधा जाएंगे अपनी दुकान पर। वैसे तो आज कोई इरादा नहीं ऑफिस जाने का, फिर भी देखते हैं अगर मूड बनेगा तो चले जाएंगे ऑफिस, नहीं तो निपटाएंगे अपने घर के काम। वैसे आज दिल तो कर के खुद पे ज़रा खर्चा शर्चा बढ़ रही, क्योंकि खर्चा बहुत बड़ी होगी। ऐसे लगता है कि जैसे समझ गए ना जैसे पोल्ट्री की होती है, जैसे इतनी बड़ी खत तो हमारे मस्जिद के इमाम की नहीं, जितनी बड़ी खत मेरी होगी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यार यहाँ में तो चलो आज जरा खर्चा शर्चा मारते खुद पे खर्च करते हैं, तैयार श्यार होते पोल्ट्री शूटी कराते फिर जागे जरा सर पहले होते तैयार फ्रेश हो गए नाश्ते करके निकलते दुकान की, तो फिर बाद में करेंगे खर्च कंट्रोल कंट्रोल। तो सुबह अम्मा के हाथ गर्म गर्म नाश्ता करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया दुकान पे। दुकान पे पहुंच के साथ ही मैंने देखा कि अब्बू जी की होगी बैटरी लो, क्योंकि अब्बू जी कहते हैं मेरी कल शाम से तबीयत नासाज है। तो अब्बू जी तो सुबह करो रेस्ट कर, मैं आ गया और मैं जाना था मेरे काम है कि अब्बू जी चले आप जाए रेस्ट करें, क्योंकि थोड़ी तबीयत नासाज थी। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को 100 साल सेहत वाली दुनिया की हर नेमत से भरी हुई और खुशी वाली जिंदगी दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह सुबह अम्मा की याद कर मिल गए कदमा गर्म नाश्ता, नाश्ते के बाद मैं पहुंच गया दुकान पर। दुकान पर पहुंचते साथ ही मैंने देखा कि आज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ज़्यादातर सेल्स मैनों की छुट्टी है, यानी कि आज से बहुत ज़्यादा सुकून डॉट प्रोग्राम, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीजिंग होती है उसमें मेरे बीपी होता है लो, क्योंकि इतना पाकिस्तान पर कर्जा नहीं होता जितना सुबह सुबह सिलमैन मुँह उठा के पहुँच जाते मेरे दुकान पर, कोई नहीं लगा शुक्र। और आज तो मैंने करना खुद पे थोड़ा खर्चा शर्चा, यानी कि थोड़ा तैयार श्यार होना, थोड़ा खर्चा करनी है। इतनी खत तो हमारे मस्जिद के इमाम के लिए बड़ी, जितनी खत मेरी बड़ी है। तो चले कोई नहीं ख्याल है, पता चले जल्दी अपने काम मुकाते हैं, मुकाने के बाद करेंगे अपने खत शत और करेंगे अपने बाकी काम शाम। अल्लाह का शुक्र कि अब्बू जी चले गए घर, तो मैं कहते चलिए अब्बू जी रेस्ट मारो, तो हमने नशे ऐसा मार लिया और कुछ नहीं बारी है उसी करो रेस्ट, ऐसा नहीं बारी है काम शाम करन दी। तो चलो शुरू करते अपने काम, जल्दी जल्दी अपने काम मुका के फिर देखते हैं छोटा भाई आ गया तो फिर जाके कराएंगे खत खत के बाद एक दो जरूरी काम। तो चलो लेट्स स्टार्ट द डे। बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छे भले मेरे छोटे मोटे काम खत्म होते थे, मैं शुक्र का दिखा कोई सिलमेन नहीं, पर सिलमेन जैसे ही आते ये दो मरासी, ये पार्ट टाइम मरासी और वो दूसरा मरासी, इन कंजरों ने दुकान के अंदर मेरे क्रिकेट स्टेडियम बनाए हुए हैं, वो देखे तो लोग क्रिकेट स्टेडियम में ये वो तू क्या क्या लग इसको क्या किसको वो देखे तू क्या तू क्या ये असलान के अंदर का खुसरा जाग गया। अरे फट गई है उसकी
और इसके अंदर का मरासी जाके पूछने किया तू अफरीदी की शर्ट है जो तू इस चक्के मार है। चलो शुक्र वो दोनों चले गए। आखिरी सामान आ गया इसको जल्दी जल्दी पैक करते, इसके बाद जल्दी जरा खर्च निकालते, खुद भी मारते खर्चा चर्चा। चले अरुण भाई अभी आप हमें टाइम देना, छोड़े पबजी को, क्या करेंगे पबजी में? अरुण भाई को और कोई काम नहीं, बस वेले तरीन बंदे दुनिया के, जब भी देखो पबजी खेले तो अरुण भाई और कोई काम है पबजी के अलावा? हाँ नहीं मुझे बताए ना आज क्यों, और कोई काम है जिंदगी में पबजी के अलावा? कैसे पबजी पबजी पबजी, हाँ ऐसे कोई बेनिफिट भी हुआ या सिर्फ टाइम ज़ाया करते हो? अच्छा अच्छा आपने हेडफोन लगाया, गजब बेइज्जती है, वो अभी तक सुन ही नहीं देते, शाबाश। ये आपने जी बेइज्जती कर दी अरुण भाई हमारी, यार क्या कर रहे हो यार अरुण भाई? हाँ हम आपको लाइव दिखा रहे हो और आपने हमारी बेइज्जती करा दी कि हेडफोन लगाए हुए हैं? हाँ ये बस अरुण भाई बहुत ज्यादा की है। चला भाई ना फसल कर, ये अरुण भाई ने हमारे साथ गेम कर दी है, हम आए हम अरुण को भाई को बातें सुना रहे हैं, वो क्या उसने हेडफोन लगाए, मैं चलो ये काम डन हो गया, आपको सही हो गया, क्या बढ़िया था गुरु। तो हर घर बड़ी दिनों बाद मेरी डेंटिंग पेंटिंग शुरू होगी क्योंकि आते साथ ही हरुण भाई ने तो मेरे साथ टैंक करी, मैंने हरुण भाई अब मैं आपको टाइम आपको छोड़ूंगा नहीं, अपनी सुबह सुबह मैंने मजाक उड़ा दी। तो अब देखो हरुण भाई की हरकत है, उसने मेरी हद शुरू कर दी, अब ना इधर करा ना मैं देखो। हरुण भाई कहते हैं भी अब दो मिनट बैठू, मुझे एक काम याद है कि मैं उधर जा रहा हूँ, यानी कि मैं भाग भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं। तो आखिरकार 10-15 मिनट वेट करने के बाद हरुण भाई वापस आ गया, आते साथ ही हरुण भाई को याद आया उसने कभी हमारी ना होने वाली भाभी को कॉल मिला, यानी कि ये वो भाभी है हमारी जो कभी हरुण भाई की निकाम नहीं की, पर अब इस टाइम मुझे बिल्कुल चुपचाप होकर बैठना पड़ेगा। हरुण भाई मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा क्योंकि इस टाइम मेरी मौत हरुण भाई के हाथ में है, अगर मैं कुछ बोला तो हरुण भाई ने हल्का सा ब्लेड मार देना और बोल देना कि यासीन भाई बोले तो ब्लेड हल्का सा लगे, यानी कि इस टाइम जिंदगी मौत दोनों हरुण भाई के हाथ में, इस टाइम मुझे ऐसे चुपचाप बैठना पड़ेगा जैसे बच्चा मछली कारी साहब के सामने चुपचाप बैठा, अगर मैंने कैसी जुबान भी हिला दी या मेरी जुबान से एक लफ्ज भी निकल भाई आ गया तो हरुण भाई ने मेरे से अगले पिछले सारे बदले एक साथ ही ले लेने। वैसे मुझे फील हो रहा था कि मैं आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा, पर आखिर अल्लाह पाक ने रहम कर दिया और मेरी खैर ऑफियत से खत्म हो गया, पैसे नहीं देखे यहाँ से गायब होते इससे पहले कि हरुण भाई मुझे ब्लेड शेड मार दे और काम खराब हो। हदसत कराने के बाद मैंने कल बड़े सीधा घर की तरफ, क्योंकि जाके होते फ्रेश फ्रेश होने के बाद खाना शाना खा के वापस आएंगे दुकान पे, वैसे क्योंकि अच्छा बलर टाइम रहा दुकान के बाद, नहीं होकर जाते अभी तैयार होके वापस आते, बाकी लिखे कैप शॉप कल।